हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हार्दिक कड़िया एंड मैं एक रिटेलर एंड होलसेलर हूँ फैब्रिक्स में। ये वीडियो मेरा अब तक का सबसे मोस्ट डिमांडिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट यूजफुल वीडियो रहेगा आपके लिए। मैं इस वीडियो में आपको शर्ट्स में कौन से फैब्रिक्स या फिर कौन से ब्लेंड्स पहनने चाहिए उसकी पूरी नॉलेज दूंगा। ओके, ये वीडियो आपको इजीली समझ में आए इसके लिए मैंने इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट ये है फ्रेंड्स कि आपको इंडिया के अलग अलग क्लाइमेट्स के हिसाब से कौन से फैब्रिक्स या फिर कौन से ब्लेंड्स पहनने चाहिए, एंड सेकंड पार्ट है कि आपको आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से कौन से फैब्रिक्स या फिर कौन से ब्लेंड्स पहनने चाहिए। अगर हम क्लाइमेट्स के हिसाब से जाए देन ड्राई समर, सूखी गर्मी, इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स है गुजरात एंड राजस्थान के स्टेट्स, यहाँ पर कौन से फैब्रिक्स पहनने चाहिए। तो पहला ऑप्शन है कॉटन, वो कंफर्टेबल एंड ब्रीदेबल रहता है, ऑफ कोर्स उसमें रिंकल इश्यूज बहुत रहते हैं। पर दूसरा ऑप्शन है लिनन, ब्रीदेबल एंड कूल रहता है, बट फ्रेंड्स एज यूजुअल कॉटन की तरह उसमें भी बहुत रिंकल्स पड़ जाते हैं। कॉटन एंड लिनन के एक ऑल्टरनेटिव है ऑर्गेनिक कॉटन एंड ऑर्गेनिक लिनन। प्लस पॉइंट, ये बहुत अच्छा रहता है, नेचुरल रहता है। माइनस पॉइंट फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसकी अवेलेबिलिटी। आपको ऑर्गेनिक के नाम पे हर जगह मैक्सिमम टाइम आपको नॉर्मल कॉटन एंड नॉर्मल लिनन ही बेचा जाएगा। तीसरा ऑप्शन है चैम्ब्रे, ये फैब्रिक जो है इसको नॉर्मल सेंस में हम डेनिम फैब्रिक कह सकते हैं, जो कि कॉटन रहता है। ये लाइट वेट रहता है एंड कंफर्टेबल रहता है, एंड सारे नेचुरल फैब्रिक की तरह इसमें भी रिंकल इश्यूज हमें फेस होंगे। एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन गर्मी का है रेयन। रेयन एक सेमी सिंथेटिक फैब्रिक है, उसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी शेयर किए हैं। ये फैब्रिक लाइट वेट रहता है, ब्रीदेबल रहता है, एंड फ्रेंड्स रेयन के विस्कोस क्वालिटी में हमें रिंकल्स इश्यूज फेस होते हैं। अगर हम विंटर सीजन की बात करें, सर्दी की बात करें, देन ओके, जैसा कि मैंने कहा गर्मी में नेचुरल फैब्रिक जैसे कॉटन एंड लिनन ज़्यादा अच्छे ऑप्शन होते हैं, वैसे ही विंटर में मैनमेड फैब्रिक्स या फिर सेमी सिंथेटिक फैब्रिक्स एक बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं। जैसे वुल, ये बहुत ही इंसुलेटिंग रहता है, ये हमें गर्म रखता है, लेकिन ऑफ कोर्स वो इची रहता है, एंड अगर आपको स्किन इन्फेक्शंस है देन आपको ये ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आपको स्किन रैशेस की भी प्रॉब्लम्स फेस हो सकती है। फ्रेंड्स, ठंडी में एक हैवी फैब्रिक अच्छी चीज़ होती है, इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल एंड वन ऑफ द ट्रेडिशनल एग्जाम है कॉर्डरॉय। ये बहुत ही वार्म रहता है, बहुत ही स्टाइलिश रहता है, ऑफ कोर्स इसका वेट थोड़ा ज़्यादा रहता है, बट इसका लुक एंड अपीयरेंस बहुत अच्छा रहता है। एंड एक लास्ट ऑप्शन है साटिन। वेल, मैं साटिन फैब्रिक की बात कर रहा हूँ, जो एक शाइन फैब्रिक रहता है, एक ब्राइट फैब्रिक रहता है। ये फैब्रिक जो है उसका फिनिशिंग बहुत अच्छा रहता है, स्पेशली कोल्ड वेदर के लिए, एंड ऑफकोर्स ये फंक्शंस में बहुत अच्छा लगता है। एक प्रॉब्लम इसकी ये है फ्रेंड्स, ये मैनमेड होते हुए भी इसमें आपको रिंकल इशू फेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे क्लाइमेट की, जो है बारिश, रेन, जैसे साउथ इंडियन स्टेट्स या फिर मुंबई जैसे शहर जहाँ पे मैं रहता हूँ वो हम फेस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं जो फैब्रिक्स आपको यहाँ शेयर कर रहा हूँ ये वो फैब्रिक्स है जो आपको इजीली अवेलेबल एंड इजीली एक्सेसिबल हो जाने चाहिए। बारिश में बहुत सारे फैब्रिक्स है जैसे रबराइज कॉटन, नाइलॉन एंड पोलिएस्टर ब्लेंड्स, गौर टेक्स, विनली, ये सब फैब्रिक जो है ये नाम तो बहुत ही हैवी है, बट इसकी अवेलेबिलिटी एक पॉइंट के बाद हमें नहीं मिलती नॉर्मल मार्केट पर। अगर मैं बारिश के स्पेसिफिक फैब्रिक्स की बात करूँ देन दो ऑप्शन शर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, एक है कॉटन मिक्स एंड उससे भी अच्छा ऑप्शन है रेयन मिक्स। दोनों केस में ये ब्लेंड्स होने चाहिए पोलिएस्टर के साथ। एंड जब भी मैं ये ब्लेंड्स की बात कर रहा हूँ देन दो चीज़ें याद रखना, एक कि वो कपड़ा पतला रहना चाहिए, एंड दूसरा पतला होने के बावजूद भी वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा रैंक टू है कॉटन मिक्स फैब्रिक एंड रैंक वन है रेयन मिक्स फैब्रिक, क्योंकि रेयन मिक्स फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा रिंकल फ्री होते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉटन मिक्स। गीली गर्मी की, ह्यूमिड समर्स की, इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल अगेन मुंबई। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन एज यूजुअल है कॉटन एंड लिनन। कॉटन एंड लिनन दोनों कम्फर्टेबल रहता है, ब्रीदेबल, दोनों केस में रिंकल इशूज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वेल, इसको टेक ओवर करता है रेयन फैब्रिक, ये बहुत ही कंफर्टेबल रहता है एंड मॉइस्चर विकिंग रहता है, बट विस्कोस क्वालिटी बहुत जल्दी रिंकल्स फेस कर लेती है, एंड वही टेंसिल क्वालिटी एंड मोडाल क्वालिटी ये इशू फेस नहीं करती। एक नए फैब्रिक्स आए हैं बाम्बू,
ये बहुत ही ब्रीदेबल एंड मॉइस्चर विकिंग रहता है, बट इसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में बहुत कम है फ्रेंड्स। अगर मैं फॉर्मल लाइफस्टाइल मतलब ऑफिशियल लाइफस्टाइल की बात करूँ, देन कॉटन फैब्रिक एक बहुत अच्छे ऑप्शन बन जाता है, कॉटन ब्लेंड्स बहुत अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं, रेयन ब्लेंड्स बहुत अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं। अगर शॉर्ट में समझाओ देन पॉलिएस्टर ब्लेंड्स के फैब्रिक एक बहुत अच्छे ऑप्शंस बन जाते हैं, प्रोवाइडेड अगर आप कोई बहुत ही प्रीमियम कॉर्पोरेट मीटिंग से उसमें जा रहे हो देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई कॉटन इंस्टेड ऑफ कॉटन मिक्स। एंड फ्रेंड जैसा कि मैंने कहा था, रेयन की एक क्वालिटी का नाम है टेंसिल, जो बहुत ही सॉफ्ट रहती है, मॉइस्चर रेजिस्टेंट रहती है, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ही कम रहती है। कॉटन, लिनन एंड रेयन ये सब में अभी ऑर्गेनिक कैटेगरीज भी ओपन हो चुकी है। सो अगर आप कोई ट्रस्टेड रिटेलर को जानते हो देन डेफिनेटली आपको एक बार ये ऑर्गेनिक मटेरियल ट्राई करने चाहिए। एंड अगर मैं एक्टिव लाइफस्टाइल की बात करूँ, स्पोर्ट्स वाली लाइफस्टाइल, फील्ड वर्क वाले लाइफस्टाइल की बात करूँ देन ये फैब्रिक्स परफॉर्मेंस ब्लेंड्स होते हैं, मतलब इसमें आपको लाइक्रा फैब्रिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जो आपको स्ट्रेच दे सके। एग्जाम्पल स्पेंडेक्स ब्लेंड्स, कूल मैक्स एंड पॉलिएस्टर स्पेंडेक्स ब्लेंड, ये सारे ऑप्शंस बहुत ही स्ट्रेची एंड कंफर्टेबल रहते हैं एंड अच्छे क्वालिटी के अगर आप लोगे तो इसमें रिंकल्स के इशू भी आपको फेस नहीं होते। बाइफर्केशंस जो मैंने शेयर किए थे वो क्लाइमेट के हिसाब से थे इंडिया के। अगर मैं हमारे लाइफस्टाइल्स के हिसाब से बात करूं देन एक हो गई कैजुअल लाइफस्टाइल। वेल वो कैजुअल लाइफस्टाइल में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है कॉटन फैब्रिक। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है चैम्ब्रे, जो एक आप उसको डेनिम से कंपेयर कर सकते हो। वेल इसके अलावा आप फ्लैनल, जर्सी एंड रेयन फैब्रिक्स भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाते हैं, स्पेशली फॉर कंफर्ट फिटिंग। यही लाइफस्टाइल में आपको कुछ लाउड पहनना है, बहुत ही भड़कता पहनना है, तो साटन फैब्रिक्स एक बहुत अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो फैब्रिक्स मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं वो उस हिसाब से किए हैं कि आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाए। ये लिस्ट जो है यहाँ वो इलस्ट्रेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं, मतलब ये लिस्ट यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। इसके अलावा भी बहुत सारे फैब्रिक्स रहते हैं जो आप एक्सेस कर पाओगे। वेल अगर कोई भी फैब्रिक्स की इन्फॉर्मेशन जो मैंने यहाँ नहीं दी है एंड आपको चाहिए, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।